पल्स है जहां आपको बता दें कि दूसरे अनुपूरक बजट के प्रावधानों पर कैबिनेट में सहमति बनी है। बिजली, सड़क और रोजगार पर सरकार का फोकस है। सड़कों के मामले में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है, तो निजी कंपनियों को कर्ज कम करने के लिए भी यहां पर पैसा दिया जा रहा है। तो अधिक से अधिक नियुक्ति और रोजगार को लेकर बजट में प्रावधान है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इन्वेस्टर्स समिट और G20 के लिए भी वित्तीय प्रावधान रहेंगे। और आप ये बता दें कि स्वास्थ्य और शिक्षा के विभाग के लिए भी अतिरिक्त राशि दी जाएगी। भोपाल से एक खबर सामने आ रही है जहां बता दें कि दूसरे अनुपूरक बजट के प्रावधानों पर कैबिनेट में अब सहमति बन चुकी है। बिजली, सड़क और रोजगार पर सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सड़कों के मामले में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। जल्द जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ बनी है। अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी, दूसरे अनुपूरक बजट के प्रावधानों पर कहा जा रहा है कि कैबिनेट में सहमति बनी है, जिसपे बताया जा रहा है कि सरकार का जो पूरा फोकस होगा वो बिजली, सड़क और रोजगार को लेकर के होगा। देखिए, 19 दिसंबर से मध्य प्रदेश का शीतकालीन विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर कल कैबिनेट में जितने भी अहम जो प्रावधान हैं उनको लेकर सहमति बन गई है कि अनुपूरक अनुमान क्या होना चाहिए। और इसमें बिजली, सड़क और रोजगार, इन तीन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता के साथ आगे रखा गया है। देखिए, सड़कों के निर्माण की बात सीएम शिवराज ने कही थी कि जल्द से जल्द सारी सड़कों में सुधार किया जाए, और अगर कहीं भी कोई सड़क में जो है परेशानी लोगों को हो रही है, सुधार कार्य लगातार किया जाए और इसको लेकर ज़्यादा से ज्यादा बजट भी दिया जाना है। इसी को लेकर यहाँ पर जो अनुपूरक अनुमान आया है, इसमें सड़क को काफी ज्यादा फोकस में रखा गया है। रोजगार की अगर हम बात करें, 1,00,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। 15 अगस्त तक 1,00,000 पदों पर भर्ती हो जाएगी और इसको लेकर विभागों को और भी ज्यादा राशि इस साल दिए जाने की संभावना पूरी तरीके से की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा पर खास फोकस सरकार इस बार रख रही है। स्वास्थ्य पर भी जो है खासा जो है फोकस रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध रहे। और इस बार दोनों ही विभागों को, चाहे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा की बात करें, सभी विभागों को अतिरिक्त जो है इस बार बजट दिया जाएगा, जिससे पूरी तरीके से जो कार्य है वो संपूर्ण रूप से हो सके। अब बता दिया जाए कि जो सड़कों है उसको सबसे ज्यादा बजट पिछले बजट में भी रखा गया था जब मानसून सत्र आया था, और इस बजट में भी रखा गया था। तो इस साल जो है खास तैयारियों के साथ पूरा जो है अनुपूरक अनुमान बजट ये तय कर लिया गया है, और सड़क को लेकर खास फोकस, रोजगार को लेकर खास फोकस, और बिजली कंपनियों का कर्ज कम करने के लिए भी यहां पर सरकार एक नई चीज कर रही है। बिजली कंपनियों को जो है पैसा सरकार देने वाली है, जिससे कि उनका कर्ज कम हो जाए और जनता पर जो है बिजली का जो है अतिरिक्त भार ना आए, बिल का अतिरिक्त भार ना आए। तो पूरी तैयारियों के साथ जो है वो सरकार अब